बड़े अक्षर लिखते हैं बी सोनी, सुधांशु पांडे, वनराज शाह, अंकित सागर। आ रहा हूँ, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? नहीं नॉमिनेट नहीं, हाँ लेकिन परफॉर्म कर रहा हूँ मैं। सॉन्ग तो ऋतिक सर को ट्रिब्यूट है तो वही है, देखते हैं। मतलब गाना बता दूंगा तो फिर राज खुल जाएगा यार। का प्यार मिल रहा है, यही मैं कहूँगा कि बहुत काफ़ी है, और ऐसे ही प्यार करते रहें। बहुत मेहनत कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को मेरा काम पसंद आए, तो देखता हूँ कब तक उनका प्यार मिलते रहेगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग प्यार करते रहें। मैं बहुत पहले से जानता हूँ उसको, लड़के को 7-8 साल पहले से जानता हूँ मैं, और पहली बार काम कर रहा हूँ। मस्त बंदा है, अच्छा लगता है जब कोई अच्छा एक्टर आता है, जब मेहनत करता है जब सामने से। तो और अभी तो कुछ दिनों ही काम किए हमने, आगे पता नहीं, आगे करेंगे काम तो पता चलेगा कि कैसे हैं वो। Are there any questions? Come. इधर आओ। सलीम बिहार कम। रोहिताश जी। रोहिताश। अरे उसको। रोहिताश जी आइए जल्दी। आइए। वो तो सीरों में फंसे ही हैं। आजा आजा। आइए आइए आइए। आप नहीं आप ना। The knife is coming with me. अरे। ये लो नॉर्मल आप लोग चुपचाप। आइए। हाँ हाँ शिफ्ट। हमारे आज बहुत सारे नॉमिनीज हैं राइटिंग और स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के लिए, शशांक बाली, संजय कोहली, मनोज और रघुवीर। हिमानी जी है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर कॉमेडी में, इतने भी देख लो। राजन जी इधर आइए ना प्लीज। राजन जी, योगेश त्रिपाठी और रोहिताश गौर जी है, शुभांगी आत्रे है बेस्ट एक्ट्रेस कॉमेडी में, और हमारे साथ हमारी सारी टीम है। आज राजन जी है जो कि इंडस्ट्री के पिलर है कॉमेडी के, लेट्स गो लेट्स गो। बहुत खुश है, इट्स अ सेम नॉमिनेशन। अरे वो सवाल पूछ रही थी, बस ये समझ लिए कि एन टीवी को भाभी जी घर पर रहने संभाल रखा है। यार बुला रहे हैं वहाँ। चलिए एक्चुअली वो बताएं क्या बोले शो के बारे में, तो आप सभी जानते हैं इसलिए हम यहाँ पर हैं, और इसीलिए हमारी माँ नॉमिनेशन में है। तो रियल लाइफ में हमारी जो नोक झोंक है वो रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे बस प्यार बरसता है। सी यू सून गाइस, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि IGA में मैं पहली बार आ रही हूँ। हमारी एक बहुत ही खूबसूरत सीरीज़ है, वेब सीरीज़, जिसका नाम है हाफ पैंट्स फुल पैंट्स, डायरेक्टेड बाय VK प्रकाश एंड रिटन बाय आनंद सुस्पी, एंड आई एम नॉमिनेटेड फॉर द यू नो माय रोल इन द सीरीज़। आई एम वेरी हैप्पी, लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक्स। This is Shweta Mehta, first of all. Good evening. sorry for the cough. I wanted to wear green today. I generally match my outfits with my boots. So I first select my footwear, then I select my outfit.
From about what? Social media game. I think there should be something substantial to work on social media. And for the last 2-3 years, I've been working a lot on acting. And that's why I was trying to keep my social media game up. But something new is coming very soon. It'll be a blast. Thank you. Nominations हैं उसमें से हाँ तो मेरे ख्याल से ऑडियंस कैटेगरी में भी नॉमिनेट होगी बट जोक्स अपार्ट वी आर वेरी वेरी हैप्पी वी आर एक्साइटेड सो कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस विल जस्ट रश इन वी आर सो एक्साइटेड हम कब अंदर जा रहे हैं ऐसे हो रहा है हमें ये मेरी डॉटर प्ले करती है शी हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम शियान इज नॉमिनेटेड फॉर द सेकंड टाइम थर्ड टाइम रादर या सो वी गोइंग इन नाउ थैंक यू I'm really excited to be here, so it is, I guess, an appreciation for all the television actors. So it's a nice and a fun event, so I'm excited to be here. Thank you so much. So I styled my outfit and I'm wearing my favorite color black and I have styled it with my favorite hairstyle. Thank you. Academy Awards have been happening since you know almost everyone was a baby and I've been watching that and I've been wanting to be here ever since and thank you so much for having me here and bahut saal pehle mujhe I think ek nomination mila tha and my last show Madam Sir and Zindagi Mere Gharana have been appreciated really well so I look out for all the artists that we have here and all the performances that we have here Thank you. हेलो वेरी गुड कैसे आप लोग वेल मैं जैसे हमेशा कहता आया हूँ कि ये महाकुंभ है फ्रेटर्निटी का और यू नो ए टू जेड लोग जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को यू नो आगे बढ़ाते हैं वो सब यहाँ पर उनकी एक्सीलेंस को सराहा जाता है एंड आई फील वेरी गुड एंड वेरी हैप्पी कि इतने सालों से मैं ITA से एसोसिएटेड हूँ एंड आई लव ITA जी वेल आई एम वेरी ग्रेटफुल यू नो पर पहले से कहीं ना कहीं ये कोशिश थी कि एक ऐसा विलन बनाया जाए जिसे लोग प्यार करें तो कहीं ना कहीं मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ उसको लेकर थैंक यू जरूर एक सेंटर
I think they have nominated me in Best Actor Jury. खत्म हो गया. किसने बताया आपको गलत न्यूज़ है? हाँ तो खत्म नहीं हुआ ना लेकिन जी कुछ नहीं, नई शुरुआत है, अच्छा है. हमें भी ज़्यादा चीज़ें पता नहीं, बट वी आर वेरी एक्साइटेड. Good evening, ladies and gentlemen. It's a pleasure always to be here for the ITA Awards. I'm very, very happy to be here. Shashi, Ranjan, Anu are doing a great job. And they're very close to me like family. So I'm here to pour in the award. Thank you very much. Good, how are you? Good. Tell us something about ITA. First of all, I would love to congratulate the entire team of ITA, Anu ma'am, Shashi sir, for completing 23 years. And I'm so happy to be the part of this evening. And this evening ke baare mein sirf ek hi baat kahunga. So power packed, so glamorous, just looking like a wow. Yes, ek do cheeze hain pipeline mein jo main abhi reveal nahi karna chahunga. It will take time. बट जो भी आएगा बहुत ही धमाकेदार आएगा. एंड जस्ट फैंस को ये कहना चाहूँगा स्टे ट्यून फॉर इट. और बस ऐसे ही हाँ फैंस मिस कर रहे हैं. यस मैं भी रोज़ इंस्टा पे यही देख रहा हूँ, लोग यही चीज़ बोल रहे हैं कि कब हम आपको वापस टीवी पे देखेंगे. बस उनसे यही कहूँगा स्टे ट्यून, बहुत जल्द बहुत ही कुछ अच्छा होने वाला है. सो जस्ट स्टे ट्यून. आई एम एक्साइटेड. मुझे पता नहीं अभी सब लोग आए हैं नहीं आए, आपको पता होगा. आए सब लोग? अभी कोई नहीं आया. यस ज़रूर अगर उनसे मुलाकात हुई अच्छे से मिलेंगे एंड पुरानी यादें भी ताज़ा करेंगे. थैंक यू सो मच. Yeah, I love this green color. I've been looking forward to wear green and Nidhi helped me to do it. जी जी मैं बेस्ट एक्ट्रेस पॉपुलर कैटेगरी में आई थी नॉमिनेटेड. सी शो खत्म होता है ऑफ कोर्स अपनी टीम के साथ अटैचमेंट हो जाती है लाइक एनी अदर फैमिली. सो आई मिस द पीपल मोर देन द शो. आई थिंक आई मिस माय पीपल गोइंग टू वर्क एवरी डे एंड कैचिंग अप विद एवरीबडी. या आई वी आर एक्चुअली लुकिंग हमारे शो के 9 नॉमिनेशंस हैं विच इज़ लाइक अ बिग थिंग एंड वी ऑल हर्ड टू चीयर ईच अदर एंड पोस्ट द इवेंट वी हैव अ नाइस पार्टी. आई डोंट नो दे से नेवर से नेवर. अदनान तो फिलहाल अभी ही डजंट वांट टू डू सीजन 2 बट अभी कुछ पता नहीं है. लेट्स सी क्या होता है लेटर मे बी इन फ्यूचर. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. Not anything in Hindi. I'm shooting for something in Punjabi. Thank you. Thank you. Bye. It's a very big award and a very prestigious award. So I'm very happy and very excited. Just wanted to congratulate them. Or yeah, looking forward for some great performances here. देखे हैं अंदर जाकर क्या क्या होता है. Yeah. Thank you. Actually, it was a very, very last moment for me. I was shooting for something. Then, उसके लिए. But हाँ, मेरे कुछ friends हैं. मेरे बहुत सारे friends हैं जो perform कर रहे हैं. I'm really excited. इसलिए मैं आया हूँ उनके लिए. Thank you guys. Thank you so much. And to have been born in a country which has actually people fight for the motherland. Thank you so much, Prasad Bharati. Thank you so much, Anuragji, Minister for Information Broadcasting.
माय वेब सीरीज हनीमून स्वीट रूम नंबर 911 अच्छा धमाका कर रही है बाहर. कल ही उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है एंड द शो इज आउट ऑन ऑल्ट प्लेटफॉर्म. तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए. मस्त थ्रिलर है, बहुत सारा मस्ती है. मैं हूँ तो ऑब्वियसली विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ स्टफ. सो यस, इट्स अ प्लेजर टू वॉक दिस रेड कार्पेट. इट्स सच अ प्रेस्टीजियस अवार्ड शो. सो यस, आई एम ऑनर्ड टू बी हियर. हाँ यार, ये सवाल ना मैं मतलब तुम लोग एक ही सवाल पूछते रहते. Yes, yes. I have a feeling my friend and my brother will win. So, I'm vouching for him. I'm rooting for him, yes. Thank you. Yeah. Hello, everybody. Who's interviewing? Kaika, tu get this guy interview? Tu interview get this? Amcha interview tu get this? Magcha zila tasna award mala. Is anybody asking anything or just have to talk? Well, I have been lucky. Main khush naseeb hu ki ye pura jo ibda ka karobar hai wo mere samne shuru hua. Shashi ji mere batchmate hain. Isliye iski jab shuruaat iska aagaaz hua tab se main isse juda hua hu. और ये उनकी अच्छाई है और इंसानियत है कि मुझे काफ़ी अवार्ड्स भी दिए उन्होंने. इसलिए मेरा फ़र्ज बनता है कि इनके हर इन्विटेशन पे मैं आऊँ. और इत्तेफाकन अब वापस अवार्ड लोगों को. हाँ, और इस बार मैं देने के लिए आया हूँ, कुछ लेने के लिए नहीं, क्योंकि मैं पार्ट ऑफ द जूरी भी हूँ. जी जी जी. इट्स अ वंडरफुल फीलिंग. और एक जो शुरुआत एक हल्के से टीवी सीरियल हुई थी, जिस ज़माने में टीवी को कुछ समझते नहीं थे लोग, और आज देखिए कहाँ पहुँच गया टीवी. आप लोगों की मेहरबानी भी है इस पर कि इतना ग्लैमरस ये वर्ल्ड हो गया है, ऑलमोस्ट पैरेलल टू सिनेमा. वेरी बेस्ट. सो आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि इस बार मैं भी जूरी पे हूँ और ये मेरा पहला मौका है जूरी पे रहने का. और अच्छी बात जो पता चली वो ये कि वाकई में जेन्युइन अवार्ड हैं. जो मुझे मिला था तो अब ज़्यादा फख्र होता है कि हाँ, जिस तरह से ज्यूरी ऑपरेट करती है, जिस तरह से पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया है, शशि जी ने, अनु जी ने, देर एब्सोल्युटली जेन्युइन. और 23rd ईयर है. आई हैव बीन आल्सो एसोसिएटेड विद द अवार्ड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. इज गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ एंड वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड्स ऑफ टेलीविजन टुडे. ऑल द बेस्ट. Hi. Beautiful memories I enjoy with Aita because I received an award last year for the best actor in negative role, and that's for Gumme Kisi Ke Pyar Mein. So it was a wonderful experience for me. All your life in your TV industry, you wonder when you'll get an ITA award. And that was a situation that last year I got the award. So this year I've just come to cheer people. I'm not sure whether I'm nominated or not. I'm not sure with the nominations yet. I've not got through the list. So if it is there, then I again cross my fingers that I get an award. Yeah, this is a Zee TV show. It's Kaise Mujhe Tum Mil Gaye. And it's a beautiful, different, unique story show. I'm playing Babita Ahuja in that. It's a wonderful experience again, a new team, new family, and everyone is damn good. Shriti, Arjit, Aneja, all are superb. It's lovely working with all of them. Bye bye. Take care. Thanks. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम अथर्व करवे है और मैं अभी एन टी वी पर जो एक महान एक्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर शो है उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. और पिछले 2-3 साल से आई टी ए में आ रहा हूँ और इस साल भी बड़ा स्पेशल रहेगा आई टी ए, क्योंकि इवेंट अटेंड करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मैं थरली एन्जॉय करने आया हूँ यहाँ पर. थैंक यू सो मच. थैंक्स.